रोहतक के किलोई गांव में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित भाजपा नेताओं को बंधक बनाने जाने के मामले में सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। जी हां, बंधक कांड के अगले ही दिन मनीष ग्रोवर और भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और हुड़ा पिता पुत्र पर इस पूरे कांड का ठीकरा फोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस मौके पर अरविंद शर्मा ने सरेआम आंख फोड़ने और हाथ काट लेने की चेतावनी भी दी, जिस पर अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीधा सीधा वो दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोप लगा रहे हैं जो किलोई में कांड हुआ उसके बाद एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जिसकी आपका स्टैंड क्या है? ऐसा है कि गैर जिम्मेदाराना लोगों द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान कोई आए तो उस पर मैं कोई कॉमेंट करूँ जरूरी नहीं है। मैं गैर जिम्मेदाराना लोगों द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानों पे का मैं जवाब नहीं देता। कांग्रेस समर्थित भाजपा और जजपा सरकार ये आत्मंथन करे कि हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह हर जिले में इनके जो प्रतिनिधियों का जो विरोध किया जा रहा है, आपने देखा होगा अमृतसर की घटना में भी देखा होगा कल, तो ये सारी जगह जो आज जो इनकी जिस प्रकार से जो है इनका जो कहाँ लोगों में कितनी इनकी लोकप्रियता है, खिलाफत लोगों में इतनी है, वो क्यों इतनी खिलाफत हुई उसके बारे में वो आत्ममंथन करें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान एक साल से एक आंदोलन कर रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और एक के बाद एक उनकी सुनवाई ना करने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि लाठी इनके सब पर लाठी मारो, कोई कुछ, ये पहला बयान नहीं है जो कल आपकी बात है जी। तो कहीं ना कहीं उनको अपने जो है अपने आचरण पर भी आत्ममंथन करना चाहिए भाजपा और जजपा के नेता। बता दें कि किलोई गांव के मंदिर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखने आए मनीष ग्रोवर और भाजपा के कई नेताओं को ग्रामीणों और किसानों ने मिलकर बंधक बना लिया था। इस दौरान घंटों तक हंगामा हुआ और बाद में हाथ जोड़ने के बाद मनीष ग्रोवर और भाजपा नेताओं को वहां से जाने दिया गया। मनीष ग्रोवर और सांसद अरविंद शर्मा इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हुड्डा पिता पुत्र की साजिश करार दिया है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया है और भाजपा नेताओं को आत्मचिंतन करने की नसीहत भी दी है। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।